दोस्तों, अगर आपके फ़ोन से भी ज़रूरी फ़ोटोज़ डिलीट हो गए हैं या फिर किसी ने डिलीट कर दिए हैं या फिर आपसे ही धोखे से या गलती से डिलीट हो गए हैं और आप उनको जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में कहीं भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से आप उन ज़रूरी फ़ोटोज़ को जो है वो रिकवर कर सकें, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपके कई साल पुराने डिलीटेड फ़ोटो को कैसे रिकवर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कई साल पहले डिलीट हुए फ़ोटोज़ को आप बड़ी ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो एक दो दिन पहले ही डिलीट हुए हों या फिर 6 महीने पहले डिलीट हो गए हों या फिर 1 साल पहले डिलीट हो गए हों, तो आपके फोटोज जो है वो बड़ी ही आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं अपने फोन में इस वीडियो को देखने के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि कई साल पहले या फिर हाल ही में डिलीट हुए फोटोज को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिलीट फोटोज को रिकवर करने के लिए, आपके जो भी पर्सनल फोटोज डिलीट हो गए हैं उनको रिकवर करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है डिस्क डिगर। देखिए यहां पर मैंने डिस्क डिगर टाइप कर दिया है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं डिस्क डिगर एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुका है। यह एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुका है, इसी एप्लीकेशन को आपको जो है वो इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूं। फ्रेंड्स इसकी रेटिंग जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन एप्लीकेशन अच्छा है, मैंने इसे यूज किया है। यूज करने के बाद ही जब मैंने इसका रिजल्ट देखा उसके बाद यह वीडियो बनाया है। तो आपको भी इसी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो जाने देता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क डिगर फोटो रिकवरी एप्लीकेशन हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे ओपन नहीं करेंगे, चलिए यहाँ हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जब यह एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाता है तो इसका इंटरफेस इस प्रकार से आ जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए नीचे, चलिए हम इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग जो है वो चलने लगी है। इसके बाद फ्रेंड्स अब जो है वो हमारी फोटो रिकवर हो जाएंगी, जो भी फोटो हमने डिलीट किए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। फ्रेंड्स ऊपर आप देख सकते हैं सेटिंग का आइकन इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो आपको लार्ज वाले पर ही सिलेक्शन रहने देना है। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मिनिमम फाइल साइज का। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 10,000 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइज लिखा हुआ है यह बाइट्स में लिखा हुआ है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं मिनिमम फाइल डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके नीचे फिर आपको एक मैक्सिमम फाइल डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप यदि डेट वाइज फोटोज़ को जो है वो रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की फ़ोटोज़ को जो है वो आप रिकवर करना चाहते हैं उस प्रकार से यहाँ पर डेट डाल सकते हैं और फोटोज़ को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 10,000 ही रहने देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पर 24,683 फाइल्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतने सारे फ़ोटोज़ हमारे सामने आ चुके हैं। फ्रेंड्स इन फ़ोटोज़ को आप चाहें तो रिकवर कर सकते हैं, रिकवर करना भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यह स्क्रीनशॉट और फोटोज मैंने बहुत पहले डिलीट किए थे जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है इस पेज को स्लाइड कर सकते हैं और अपने फोटोज जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर बहुत सारे फोटोज हमारे सामने आ चुके हैं। फ्रेंड्स अब आपको मैं दिखा देता हूं कि इन्हें रिकवर कैसे करना है। यदि आप एक साथ बहुत सारे फोटोज रिकवर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपको प्रत्येक फोटोज के ऊपर एक बॉक्स मिल जाएगा। उस बॉक्स पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो टिक मार्क उन बॉक्स पर लग जाएगा। एक साथ आप कई सारे फोटोज सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सारे के सारे फोटोज रिकवर करना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड कोने में 3 डॉट्स आपको मिल जाएंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट ऑल, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही आप फोटोज़ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे नीचे रिकवर का ऑप्शन मिल जाएगा, रिकवर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यदि आप किसी एक फ़ोटोज़ को जो है वो रिकवर करना चाहते हैं तो सिलेक्शन हटा दें। फोटोज़ के ऊपर आप देखेंगे राइट साइड कोने में 3 डॉट्स मिल जाएंगे फोटोज़ पर ही, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिकवर दिस फाइल, सेव दिस फाइल लोकल, यहाँ पर आप अपनी गैलरी में इस फोटोज़ को जो है वो सेव कर सकते हैं और यहाँ से परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कोई फ़ोटोज़ यहाँ पर मैं आपको रिकवर करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक थंबनेल बनाया था प्यार के प्रकार, इस
थंबनेल को यहाँ से मैं रिकवर कर देता हूँ। तो चलिए मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, नीचे रिकवर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी कस्टम लोकेशन यानी कि हमारे डिवाइस में यह फोटो जो है वो सेव होगी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब हमारे फोन के फोल्डर्स हमारे सामने आ चुके हैं कि आप इस फोटो को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड्स का फोल्डर हमारे सामने ओपन हो चुका है, मैं इसी में डाउनलोड कर देता हूँ। नीचे अलाउ एक्सेस टू डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, हमारी फोटो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवर हो चुकी है, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो चलिए मैं नो थैंक्स पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है वो कई साल पुरानी, कई महीने पुरानी फोटोज़ को बड़ी ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।